हाय, आपका स्वागत है हिंदी टेक एचडी के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 फैक्ट्स अबाउट नोकिया। नोकिया एक ऐसी कंपनी जो सभी के हाथों और दिलों पर राज किया करती थी, न जाने वह कंपनी आज कहां विलुप्त सी हो गई है। नंबर 5, राइज ऑफ नोकिया। सन 1865 में फेडरिक एडिस्टिम, जो कि पेशे से एक माइनिंग इंजीनियर थे, उन्होंने ग्राउंड वुड पल्प मिल यानी एक पेपर मिल की स्टार्ट की, जिसकी लोकेशन साउथ वेस्टर्न फिनलैंड के टेम्परन नाम के एक टाउन में थी। 3 साल के बाद फेडरिक एडिस्टिम ने एक और मिल स्टार्ट की अपने एक फ्रेंड लियो मैकलिन के साथ, जिसकी लोकेशन नोकिन वितरा रिवर के पास के एक गाँव यानी नोकिया में थी। उस टाइम उन्होंने कंपनी का नाम नोकिया एक्टिव ब्लोबैग रखा और बाद के सालों में यानी कि 1967 में इसका नाम चेंज करके नोकिया कॉरपोरेशन रख दिया गया। नंबर 4, प्रोडक्ट्स अदर देन द मोबाइल। नोकिया उन मोबाइल कंपनियों में से एक है जिन्होंने मार्केट में यानी मोबाइल के मार्केट में आने से पहले काफ़ी कुछ और प्रोडक्ट्स भी बनाया करती थी। सन 1865 में उन्होंने सबसे पहले पेपर मिल से स्टार्ट किया। 1922 में टेलीफोन्स वगैरह बनाया करती थी उस जमाने के हिसाब से, इलेक्ट्रिक केबल्स और रबड़ के प्रोडक्ट्स जैसे गैलोसिस या फिर रबड़ से बने हुए जूते। 1960 में आर्मी के लिए जहरीले गैसों से बचने के लिए M61 गैस मास्क, 1983 में सैनोमिलिटे M90 कम्युनिकेटर, जो कि फिनलैंड के डिफेंस के लिए यूज के लिए बनाया करती थी, और बाद के कुछ सालों में टेलीफोन स्विचेस, केमिकल कैपेसिटर्स और नोकिया का पहला पर्सनल कंप्यूटर जिसका नाम मिक्रो मिको था। नंबर 3, मोबाइल टेलीफोन्स आर जस्ट अनदर जेम्स बॉन्ड गैजेट। सन 1982 नोकिया सेनेटर या टॉकमैन नाम का नोकिया ने कार फोन लॉन्च किया, जो कि नोकिया का पहला फ़ोन था। उस टाइम नोकिया का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था मोबाइल फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग में, और नोकिया के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का ये मानना था कि मोबाइल टेलीफोन्स एक जेम्स बॉन्ड के गैजेट हैं और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और नोकिया वही कंपनी थी जिन्होंने 1980 में GSM मोबाइल के स्टैंडर्ड की डेवलपमेंट के लिए असिस्ट किया था। 1 जुलाई 1991 फिनलैंड के PM ने 900 MHz पर पहली बार GSM कॉल की थी नोकिया के इक्विपमेंट के द्वारा। नंबर 2, वर्ल्ड्स फर्स्ट टैबलेट, 27 जनवरी 2010। But we think we've got something that is, and we'd like to show it to you today for the first time, and we call it the iPad. आप में से कईयों को यही लगता होगा कि वर्ल्ड का पहला टैबलेट एप्पल ने लॉन्च किया था, जो कि सही नहीं है। आईपैड के लॉन्च से तकरीबन 9 साल पहले नोकिया ने वर्ल्ड का पहला टैबलेट बनाया था, जिसका नाम उन्होंने नोकिया M510 या सिरका 2001 रखा गया था। इस टैबलेट को बनाने में यूरिशी और उनकी टीम का हाथ था, और इस टैबलेट के स्पेसिफिकेशन कुछ इस तरह से थे, 10 इंच की LCD डिस्प्ले, 800x600 का रेजोल्यूशन, 4 घंटे की बैटरी लाइफ, टच स्क्रीन डिवाइस था ये, और ये स्टाइलस को भी सपोर्ट करता था, USB कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिलता था, PS2 यानी कि आप इसमें कीबोर्ड या माउस का भी यूज़ कर सकते थे, 3.5mm का ऑडियो जैक जो कि आजकल एप्पल में नहीं मिलता है, और वाईफाई का भी आपको इसमें ऑप्शन मिल जाता था, और 2001 में किसी भी फ़ोन में आपको वाईफाई का ऑप्शन नहीं मिलता था। इस स्पेसिफिकेशन को देखकर आपको लगी क्या होगा कि ये उस टाइम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा एडवांस था, और ये बात नोकिया की टीम को भी पता थी। नोकिया ने शुरुआती दौर में 1000 टैबलेट ही बनाए, टेस्टिंग के बाद 130 ही सर्वाइव कर पाए। उस टाइम के नोकिया के मार्केट रिसर्च टीम ने ये देखा कि मार्केट में इसकी कोई भी डिमांड नहीं है, तो उन्होंने ये प्रोजेक्ट ही कैंसिल कर दिया। नंबर 1, पिसिंग इन द पैंट्स, नोकिया 1100। आप में से कईयों ने ये फ़ोन चलाया भी होगा और देखा भी होगा। नोकिया 1100 ने वर्ल्ड में अब तक का सबसे ज़्यादा बिकने वाले फ़ोन का रिकॉर्ड बनाया है। 250 मिलियन यानी कि 25 करोड़ फ़ोन अभी तक वो बिक चुके हैं। तो आखिर हुआ क्या इस कंपनी के साथ जिन्होंने इतना बड़ा रिकॉर्ड भी बनाया और आजकल वो मार्केट में कहीं छुप सी गई है। सन 2010 नोकिया के CEO ने गूगल के एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर को ना यूज़ करने का फैसला किया। उस टाइम नोकिया का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था जिसका नाम था सिम्बियन। An iPod, a phone. Are you getting it? And we are calling it iPhone.
2007 में आईफोन के लॉन्च के बाद नोकिया की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम को यह लग गया कि ये फोन मार्केट का माहौल ही चेंज कर देगा, और यही कारण था नोकिया में आपसी मतभेदों का। और उसके बाद नोकिया में आपसी मतभेद चालू हो गए। इसके बाद नोकिया दो टीमों में डिवाइड हो गया। पहली टीम थी सिम्बियन और दूसरी टीम थी मीगो। टीम सिम्बियन ये चाहती थी कि सिम्बियन को ही डेवलप करें, दूसरे सॉफ्टवेयर पे ना काम करें, लेकिन टीम मीगो चाहती थी कि एक नया सॉफ्टवेयर बनाएं, नया प्लेटफॉर्म बनाएं। और जैसा कि आप सभी को पता है, एक म्यान में दो तलवारें बिल्कुल नहीं रह सकती, घुस ही नहीं सकती। वही हाल नोकिया के साथ हुआ। दोनों टीम रिसोर्सेज के लिए आपस में उलझी रहती, और दूसरी तरफ कंपनी के स्टॉक होल्डर्स जैसे चिप मैन्युफैक्चरर्स, वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि किसके प्रोजेक्ट को हाँ करना है और किसके प्रोजेक्ट्स को ना। इसी वजह से कोई भी डिसीजन लेने में नोकिया को कम से कम एक साल का समय लगता था, और इसका एक ही सॉल्यूशन था एंड्रॉयड। नोकिया के पास हार्डवेयर की मैन्युफैक्चरिंग थी, अगर वो एंड्रॉयड यूज़ करते तो टाइम कम लगता और मार्केट में भी उनकी पकड़ मजबूत बनी रहती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस टाइम के नोकिया के सीईओ ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने कहा कि ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको सर्दियों में ठंड लगती है तो क्या आप अपने पैंट में मूत्र विसर्जन करते हैं। इसके बाद नोकिया ने एंड्रॉयड यूज़ ना करने का फैसला किया, और हर साल वो $500 करोड़ लगाया करती थी ये बात जानने के लिए कि उनके ऑपरेटिंग सिस्टम या मोबाइल फ़ोन में कमी क्या है। इसी दौरान एंड्रॉयड और आईफोन ने पूरे मार्केट पर अपना कब्जा जमा लिया। सन 2001 नोकिया मोबाइल डिवीजन $800 करोड़ में माइक्रोसॉफ्ट के हाथों बिक गया। सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने थॉट्स कॉमेंट में लिखिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग इट। धन्यवाद।